अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के राजा भैया को लेकर दिए गए बयान के बाद अब कहीं ना कहीं राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच तलखी बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें, अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है, जिसके बाद अब तलखी जो है वो दोनों के बीच बढ़ती जा रही है। सत्ता नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकमेंसी है। वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। लोकसभा चुनाव में कुंडा विधायक का राजा भैया और बीजेपी नेताओं के बीच जो बयानबाजी लगातार जारी है, उस पर कुंडा के लोगों का क्या सोचना है, देखिए। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि राजा भैया कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है, बीजेपी कह रही है उनके बल पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो अभी तक हमने देखा था कि चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, बीजेपी के साथ रहे थे, लेकिन ये विरोध बढ़ता जा रहा है। ऐसा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, राजा भैया ने सपा को खुलकर समर्थन नहीं दिया है। जो प्रतापगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे थे कि राजा भैया हमें साथ दे रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं और राजा भैया का मैं मुरीद हूँ। राजा भैया ने हमारी खिलाफत कभी नहीं की है और ना ही मैं राजा भैया के खिलाफ हूँ। तो ये कहना, ये झूठा प्रचार उड़ाया जा रहा है कि सपा को समर्थन दे रहे हैं। और जहाँ तक आपने कौशाम्बी की बात कही, तो उन्होंने तो खुद ही कहा था कि मैंने किसी पार्टी के पक्ष में कई बार टाइम एंड अगेन उन्होंने कहा कि मैंने किसी के पक्ष में वोट करने के लिए नहीं कहा है, जिसकी जहां इच्छा हो वहां वोट डाले। आज केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, खुल के कह रहे हैं कि हम किसी राजा भैया जी के समर्थन से नहीं, हम अपने संगठन और काम के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो डेफिनेटली बीजेपी तो और कहेगी कि हम लड़ के रहें, राजा भैया कोई किसी के साथ तो है नहीं खुल के। विरोध ये सिर्फ उसका है, एक कम्युनिकेशन गैप है। राजा भैया को हमेशा, राजा भैया सनातनी और इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं, उनके पिताजी भी रहे हैं। राजा भैया भाजपा विरोधी नहीं है। जो थोड़ी बहुत शब्दों की बाढ़ चल रही है इधर से वो उधर से, ये लैक ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी ने जो कहा है, सच कहा है कि भाजपा अपने ही बल पर लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर लड़ने के साथ साथ इन किसी को नाराज भी नहीं कर रही है। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो वो एक मतलब हिंदू पक्ष के नेता हैं राजा भैया। हमेशा वो मंदिर में भी गए, राम मंदिर के दर्शन करने भी गए, जब उनको बुलावा भी भेजा गया था, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन परोक्ष रूप में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बीजेपी के विरोध में है। बयानबाजी तो स्वाभाविक है, बयानबाजी हो जाती है, राजनीति जब चुनाव आता है तो अपने अपने हिसाब से सब बतियाते हैं। राजा भैया जी इस चुनाव में, मुझे जहाँ तक एहसास हो रहा है, अभी हैसियत वाली बात करेंगे तो दूसरी बात आ जाएगी, नहीं तो कई हैसियत उसको कह लीजिए, इस हैसियत में नहीं थे कि वो किसी एक पार्टी को बोल सकें कि मैं इस दल को जिताऊंगा, ना भाजपा को और ना सपा। तो वो अपने आप को न्यूट्रल समझे, इसलिए समझे कि कहीं ना कहीं जनता की भावना को, क्योंकि एक दिन का निर्णय नहीं था। प्रयागराज के लोगों का मानना है कि जो ये चुनावी बयानबाजी है, इससे ये साबित नहीं होता कि राजा भैया और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई बड़ा विरोध है या उनके बीच आने वाले समय में और जो है इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।